इमाम व मौजिन और उलमा का एक वफ्द ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर सैयद खैरुद्दीन सूफी की क़ियादत में वक्फ बोर्ड ऑफिस में मोहम्मद सलीम चेयरमैन वक्फ बोर्ड से मिला। सेक्रेटरीट के दो मस्जिदों के तामीर के बारे में तफसीलात हासिल की गई और इमाम व मौजिन की तनख्वाह जो कि आने वाली थी पिछले 7 महीने की, इस ज़िमन में उन्हें वाकिफ करवाया गया। चेयरमैन ने यकीन दहानी कराई है कि अगले महीने तमाम वाजिबात वक्फ बोर्ड की तरफ से अदा किए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम साहब की दावत पर आज शहर के उलमा इकराम और मशायखे उज़ाम और अइम्मा मसाजिद व मौज़िनीन का वक्फ बोर्ड में एक अहम इजलास मिनजानिब चेयरमैन साहब के रखा गया था और इस इजलास में ख़ास तौर पर सेक्रेटरीट के मसाजिद के ताल्लुक से बात की गई, क्योंकि सेक्रेटरीट के मसाजिद मुसलमानों के लिए ईमान का हिस्सा है और जो ईमान और मसाजिद हमारी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है और जो मसाजिद शहीद की गई है उसका सदमा हर मुसलमान को है और हुकूमत की जानिब से वक्फे से उसके तामीर के जो ना ऐलानात किए जाते रहे हैं और पहले तो हमारे सीएम साहब असम्बली में ऐलान किए, फिर महमूद अली साहब 2-3 मरतबा तवारीख दिए, लेकिन आज का जो इजलास हुआ है मैं समझता हूँ ये तमाम इजलासों से ये मुख्तलिफ रहा, क्योंकि ये एक नुमाइंदा इजलास रहा कि मुख्तलिफ जमातों के हजरात जिम्मेदार भी यहाँ पर शरीक थे और जो मसाजिद का मामला है तो मसाजिद के अइम्मा इकराम भी यहाँ मौजूद थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन साहब ने सेक्रेटरीट के मसाजिद के ताल्लुक से तफसीली वजाहत की और उसके परमिशन के कागजात भी मीडिया के सामने बतलाए और उसका तखमीना लागत भी जो ना बतलाई गई और ये भी कहा गया है कि इंशाल्लाह ये मुहर्रम के बाद बहुत जल्द उसकी तामीर का आगाज़ कर दिया जाएगा। और इजलास चेयरमैन साहब के सामने एक तजवीज़ ये रखा है कि उस तामीर के आगाज़ से पहले अगर शहर के मोजिन के एक वक्त को वहाँ पर मुआयना करवाया जाए तो ये और भी हमारे लिए तशफ़ी का बायस होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन साहब ने इसके ताल्लुक से बात मशवरे के इसके ताल्लुक से कदम उठाने का हमको तयखुन दिया है और मैं ये समझता हूँ कि आज का इजलास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब इजलास रहा। चेयरमैन साहब ने हर तरीके से हमारे को बल्कि स्टेट के मुसलमानों को पूरी तरह से जोना तमानियत दी है और हमको इनकी बात का हम पूरा जो ना यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हमारे चेयरमैन साहब आगे भी अपनी इस बात पर कायम रहते हुए हुकूमत को जल्द से जल्द ये काम करने की आप तरगीब देंगे और अगर हमारे चेयरमैन साहब की रहबरी में और आपकी कोशिश में जब भी या चाहे विजिट हो जाए या विजिट के बजाय अगर संगे बुनियाद का भी अगर तामीर का भी आगाज़ हो जाए तो ये तेलंगाना के अवाम के लिए हमारे चेयरमैन साहब की बहुत बड़ी खिदमत होगी ये और ये आपका नाम सुनहरी अल्फाजों में लिखा जाएगा। अब अभी हमारे एक नुमाइंदे साहब ने जो है ना अभी जो है ना सवाल किया हमारे चेयरमैन साहब से, मिन्हा साहब ने जो अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर जो है ना आप सहाफ़ी हैं और आपने सवाल किया है कि शहर के चुनिंदा जो क्या पूछा था आपने, तो क्या ये मसला किसी जाने माने आलिम दीन का है, क्या कोई जाने माने जो है ना मशाइख का है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये अल्लाह के घर का मसला है, हर मुसलमान का मसला है। और फिर मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, आप जिसको जाने माने समझ रहे हैं उन्होंने इसके खिलाफ जो ना क्या आवाज बुलंद की, आपके पास रिकॉर्ड है बता सकते हैं आप? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं जाने माने का मतलब क्या है? गलत है, आप अपने अल्फाज वापिस डेलीगेशन किया है सीएम से मुलाकात किया था। ये देखिए लेडी जो सीएम साहब के पास गए थे, मिनाज भाई कोई नहीं लिए है तो हम चाह रहे भी वो अल्लाह आपको अच्छा रखे। ये सवाल बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है कि इससे पहले भी ऐसा कई मरतबा हुआ है, हमारे को उसका तजुर्बा भी है, हुआ भी है, लेकिन हम हमारे सलीम साहब पर हम जो ना भरोसा कर रहे हैं वो कोर्ट इलेक्शन का कोर्ट वो आने से पहले अगर आपसे विजिट भी करा दिए तो हमारे लिए इत्मीनान का बास होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम उम्मीद रखते हैं कि चेयरमैन साहब करिए। अब ये देखिए साहब, हर इंसान की अपनी अपनी सोच है,
वो उसका जो ना सोच, किसी की सोच के ऊपर कोई पहरा नहीं दिया जा सकता। अब जो एहतजाज किए उनका कोई जाति मफाद नहीं था, अल्लाह के घर के लिए जो ना एहतजाज किए अल्लाह की, नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है, पूछिए आप। हर जो भी मुसलमान एहतजाज किए वो अल्लाह के घर के लिए एहतजाज किए, किसी पार्टी को खुश करने के लिए नहीं किए। अगर कोई कहता है कि पानी के बुड़बुड़े हैं, हो सकता वो खुद पानी का बुड़बुड़ा हो, ये भी तो हो सकता है ना। जो इंसान खुद रहता है, जो इरफान की बीमारी वाले को सब पीले नजर आते, वो खुद इरफान का मरीज होगा, हो इसलिए उसको सब पीला नजर आ रहा। मस्जिद का मसला हर मुसलमान का मसला है, और आपके लिए इतला के लिए अर्ज करूं, इसी सेक्रेटरीट की मस्जिद के लिए सबसे पहला केस मेरे पर बुक हुआ। हम जो इसके लिए एहतजाज किए, आप जिसको जाने माने बोल रहे हैं वो क्या एहतजाज करे? आप मिसाल बता सकते हैं? इसीलिए तो पूछ रहा हूं, मैं आप उनको जाने माने उलमा कैमरा नहीं हो, मुसलमान को तकलीफ हुई है, और हर मुसलमान ये चाहता है कि वहां पर मस्जिद तामीर हो। और हम सीएम साहब से उम्मीद रखते हैं कि मुसलमानों के जज्बात का एहतराम बराबर आप करेंगे। आप अखिलियतों के लिए कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ कोताहियां भी आ रही हैं, हम उसकी भी निशानदेही करेंगे। आप जो अच्छे काम कर रहे हैं हम उसकी तारीफ भी करेंगे, हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मुखालिफत करेंगे, नहीं, आपके अच्छे काम की भी हम तारीफ करेंगे। अब हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि जैसा कि हमारे 6,500 आइमा मोहद्दिन इनके दरख्वास्त जो ना पेंडिंग में है, अल्हम्दुलिल्लाह आप कोशिश करेंगे, आप तवज्जो देंगे, और आपके चेयरमैन साहब के दौर में सबसे बड़ा कारनामा ये हुआ कि 7 मस्जिद आबाद हुए, और गरीब मुसलमान मैयतों के लिए 5,000 रुपये वक्फ बोर्ड से बर वक्त दी जा रही है, बर वक्त दी जा रही है, आधे एक घंटे के अंदर यहाँ से वक्फ बोर्ड से आदमी मकान पहुँच कर 5,000 रुपये दे रहा है। मैं कई सैकड़ों फोन मैं बैठ के कराया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके अच्छे काम की भी तारीफ करेंगे, लेकिन जहाँ पर हमारे मफादात को ठेस पहुँचेंगी हम उसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे। हम ये उम्मीद करते हैं चेयरमैन साहब से कि आप एक विजिट का इंतजाम कराइए, और उसके बाद तमाम मुसलमानों के शुबात ख़त्म हो जाएंगे, और आपका सीएम साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, और उसके बाद तमाम मुसलमानों ने तेलंगाना में बांगे दहल में सबसे मैं हाथ बनकर अपील करूंगा कि जिस दिन मस्जिद की तामीर का आगाज हो जाएगा, हम जो ना TRS और हमारे KCR साहब के ताल्लुक से हमसे जो हो सकता हम जो है ना इसके लिए हम उनके लिए मदद के लिए हम आगे बढ़ेंगे, ये हमारा वादा है। कोई सहारा किसका भी नहीं है, सहारा ऊपर वाले का रहता, समझे? वक्फ बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है, यहाँ पर मस्जिदें, कब्रस्तान, दरगाह जो भी है, ग्रेवयार्ड जो भी है, जो वफ के तहत जो आते हैं उसके लिए जो है इमाम मोहसिन साहिबीन भी जो आ जाए, उलमा वगैरह भी जो आए, हमारे सज्जाद साहब वगैरह जो भी है, मुजाहिद साहब वगैरह जो भी है, ये लोग आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट सीरियस काम कर रही, सीरियस नहीं करती तो हम भी बोलते थे, गवर्नमेंट सीरियस है हर काम के लिए। इंशाल्लाह ताला थोड़ा आगे पीछे हो रहा काम होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सेकुलर गवर्नमेंट है। इंशाल्लाह ताला ये मस्जिद भी जल्द से जल्द आप लोगों को बराबर बुलाएंगे उसमें इफ्तिताह में भी, क्योंकि ये प्लान भी जो हुआ है हमारे अकबर साहब ये अप्रूव करके जो है ना, दो प्लान बने थे, तो अकबर साहब जो अप्रूव करे उसको CM साहब जो है उसको ये करके, तो बलाला साहब वगैरह लेके आए यहाँ पर, लेके आके वो लोग भी यहाँ पर मेरे सामने हम लोग बैठ के उसको यहाँ से भी परमिशन दे दिए, और अल्लाह के करम से आप लोग बिल्कुल इत्मीनान रहिए, क्योंकि मस्जिदें बनेंगे, नहीं बनने का सवाल नहीं है। अगर नहीं बनना रहता तो 7 मस्जिदें जो खुले वही नहीं खुलते थे। साहब आप 7 मस्जिद आबाद करें, उसमें अलीशापुर की मस्जिद भी है साहब जी, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसके ऊपर आर्मी वाले नहीं रुका सकते, मस्जिद की उतनी जगह जो अपनी है उसको नहीं रुका सकते कोई भी। वहाँ थोड़ा मेरे को यह सुनने में आया कि कोई मठारू पाशा बोल के है कहते कोई, उन्होंने अंदर के उसमें प्लाटिंग करने गए उसको रुका दिया लोग, मस्जिद की जगह को कोई भी नहीं रुका सकते, रुकाए तो हमको एक साल पहले परमिशन डाले, अब तक जो है नहीं नहीं नहीं, मस्जिद तामीर करी हुई है, सुनो इधर, अब मस्जिद तामीर करी हुई है, मस्जिद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ वजू खाने वगैरह मस्जिद को सामने शेड वेड जो भी डेवलप कर रहे हैं वो कर सकते हो, परमिशन ये बोर्ड में लेके हम दे देंगे उसको, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। KCR साहब की गवर्नमेंट में हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली एक ही गवर्नमेंट है, और वो गवर्नमेंट सीरियस है हर काम के लिए, सब कम्युनिटी के लिए सीरियस है, समझे? अब इसमें दोरा ही नहीं है, और हम भी वक्फ बोर्ड की तरफ से जो भी हमारे से हो सकता बराबर हम लोग कर रहे,
जहाँ भी इंक्रोचमेंट है उसको भी हम लोग डिमोलिश करा रहे हैं, वहाँ पर कब्जे लेना है तो कब्जे भी ले रहे हैं, उनके सामने भी हम लोग मस्जिद का परमिशन वगैरह जो है आरएमबी डिपार्टमेंट से जो परमिशन सीएम साहब दे दिए और वक्फ से भी अप्रूव होगा, 2,90,00,000 रुपये सेंक्शन हो गए मस्जिद सेक्रेटेड के 2 मस्जिदों के लिए और इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द तामीर शुरू होगी वहाँ पर और अच्छे से अच्छे मस्जिदें बन रहे और अल्लाह का करम ये है कि हमारे सूफी साहब लोगों को भी मुनीर मुजाहिद साहब और हमारे सज्जादे साहब और हमारे मौजन साहब इमाम मौजन इमाम उलमाए मशाक ये लोग को भी पूछने का था, तो हम किसी से छुपाने की बात नहीं है, हम अल्लाह का करम ये है कि जो है वो ओपन है और अल्लाह के करम से जो है मस्जिदें भी बन रहे, परमिशन भी होगा और जल्द से जल्द इसका काम भी शुरू हो जाएगा, इसकी तारीख भी जो है हम आइंदा महीने में जो है मुहर्रम के बाद इसकी तारीख भी सीएम साहब से ये करके हम बताएंगे आपको। साइट विजिट भी करा और विजिट का बोल रहे हैं, विजिट की कोशिश करेंगे मगर उससे पहले अगर विजिट और काम भी एक साथ शुरू हो जाता है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब सेकुलर हैं, केसीआर साहब, केसीआर साहब की गवर्नमेंट में कोई शुभा नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने जो बोल रहे हैं वो करके भी दिखा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला मौजन इमाम के भी जो हदिया जो आ रहा है ये भी जो भी आगे पीछे हो रहा वो भी इंशाल्लाह चला टाइम पे मिल जाएंगे, वो भी पैसे हदिया मिलेगा और जो और वेटिंग में जो वेटिंग लिस्ट में जो है वो लोगों के भी जो है नेक्स्ट उसमें 6,000 इमाम मौजन जो है उन लोगों का भी हदिया जो है ना इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करेंगे और सीएम साहब को जो है किसी को रोकना नहीं बोल के रहता और अल्लाह चाहे तो हम लोग जल्द से जल्द जो भी इश्यूज माइनॉरिटी के है जल्द से जल्द उसको इम्प्लीमेंट करके जो है ना जो कानून जो हमारा जियो जो निकले हुए हैं जियो के तहत जो जो भी काम पेंडिंग है वो भी आइंदा महीने से स्पीड से काम शुरू होगा और जहाँ जहाँ पर भी जो मस्जिदों की तामीर का है या कंपाउंड वॉल्स का है जो भी डिस्ट्रिक्टों में वहाँ जो भी है वो भी काम शुरू कराएंगे हम 1-2 महीने में और जहाँ भी हमारी वक्फ प्रॉपर्टी जो सबसे